भाई आज यहाँ पर गाने का प्रोग्राम है। वो लड़की मर गई है, उसे हम लोगों ने ठिकाने लगा दिया है। हाँ हाँ हाँ, शिवा ने कहा था। हाँ, उससे पहले जाकर देखो, हम लोग शाम को जाएंगे। ये दे, तू जा। अरे रे रे रे, रुक जा रुक जा। अरे क्या कर रहा है? रुक जा, रुक। क्यों इतनी जल्दबाजी कर रहा है? हम उन लोगों को मारकर यहीं दफनाएंगे। तू बैठ जा, बैठ जा, आराम कर। वो कितने लोग हैं मुझे पता नहीं, लेकिन मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। मैं अपनी जिंदगी में कितना खुश था। हेलो, 1000 रुपया बोले तो कितना पैसा होता है? अरे इतना होता है, वो ताड़ का पेड़ है ना, वहाँ ऊपर से नीचे तक होता है। हम सोच भी नहीं सकते इतना होता है। अगर 50,000 होगा इस दुनिया के सब लोग मर जाएंगे। तू जो बोल रहा है ना वो गलत है। तू बोल रहा है वो गलत है। तू किसके साइड है रे? मैं तो तेरे साथ हूँ यार। तू उसके साथ है क्या? मैं तो इसके साथ हूँ यार। मेरे चाचा गुजर गए थे ना, तो उनका दिन आ रहा है, बहुत मिठाई बनने वाली है, तब देख लूंगा तुझे। अगर इस हफ्ते मेरा चाचा मर जाएगा तो हमारे घर पर भी बनेगा, तब इसको दिए बिना हम दोनों मजे से खाएंगे। जिसने मुझे मारा उसकी माँ राखी सावंत। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, सब बैठ जाओ। कल जो होमवर्क दिया था सबने लिख लिया है क्या? लिखा।
जिस जिसने नहीं लिखा वो उठ कर खड़ा हो जाए। ये आखिर में आया था, इसे नहीं मिटाया होगा। अरे अरे, तूने तो होमवर्क किया ही नहीं। चल उठ जा, जल्दी उठ जा, सर को पता चलेगा तो बहुत डांटेंगे। चल उठ जा, उठ जा। अरे तूने मेरा होमवर्क मिटाया ना, झूठ बोल रहा है। अरे रुक जा, मैंने कुछ नहीं किया। छोड़ूंगा। अरे तो मुझे क्यों मार रहा है? मिटा दिया। तुम दोनों इधर आओ। क्यों झगड़ा कर रहे थे? सर इसने मेरा होमवर्क मिटा दिया। सही कह रहा है ये? नहीं। हाथ आगे करो, जा बैठ जाओ। तूने भी तो होमवर्क नहीं किया है ना? जब वो दोनों झगड़ा कर रहे थे तो वही आकर बोलते, बीच में बोलने वाला तू कौन है? हाथ आगे कर। मजा आया ना? सब चुप हो जाओ, यहाँ आओ, जल्दी आ। लगता है तुझे चोट नहीं लगी थी, इसीलिए मार खाने के बाद भी तू बातें कर रहा था। ये ले, और ले, और ले, अब जा। इस संसार को बनाने वाले ब्रह्मा, और हम सबका जो पालन करते हैं वो है विष्णु, और हमें जो बुराइयों से बचाते हैं वो है भगवान शिव। इसीलिए किसी को भी गलत नहीं करना चाहिए, अगर गलत करोगे तो भगवान दंड देते हैं, इसीलिए हमेशा सही रास्ते पर चलना चाहिए। होमवर्क नहीं किया उसके लिए मारा वो सही है, पर बात नहीं की फिर भी मारा वो गलत है। अब, अरे ये कैसे हो गया? मेरी गोटी पहले है। अरे मेरी पहले है, लाइन मारता हूँ देख ले। कहा ना मेरी गोटी पहले है, ये ले लाइन मारता हूँ देख ले। अरे नहीं मैं मारता हूँ, तू देख। तुम लोग मुझे उल्लू बना रहे हो, सब गोटी मेरी है। हमारी भी है। चीटिंग मत कर। अरे चीटिंग मत कर, तू चीटिंग कर रहा है। नहीं नहीं दे मुझे, मेरी है। बोला अरे मेरी गोटी दे मुझे, छोड़ मुझे, मुझे दे बोला ना, दे सकते हो ना, मुझे दे मेरी। अरे अरे छोड़, अरे तू लाइन वाला पूछ रहा था, बोल नहीं कर रही है। अरे ये क्या? आजा आजा, यहाँ पे बैठ बेटी। नहीं, तू चीटिंग करता है। ए बोल, बच्ची को छोड़कर तू यहाँ पे झगड़ा कर रहा है? वो पानी में गिर गई, कुछ हो जाता है। बच्ची को क्यों मार रहा है? क्या हुआ? बच्ची वहाँ पानी में गिर गई थी और ये लोग यहाँ पे झगड़ा कर रहे हैं और तू मुझे ही बोल रही हो। अरे अरे क्या हुआ, क्या हुआ? रो मत रो मत, शांत हो जाओ। अरे कोई घर में है क्या? कौन है भाई? गांव के मंदिर से इसने दान वाला मटका चुरा लिया है। वो ऐसा कैसे कर सकता है? अरे हम लोगों ने अपनी आंखों से देख कैसे पकड़ा है। ए, इधर आ, चोरी करता है, चोरी कर रहा है तू। क्या किया? मटका चुराया तूने? बच्चे को, अरे इसने मंदिर में चोरी की है, कुछ पता भी है तुम्हें? किया होगा, इतना मानने की क्या जरूरत है? अगर मैं अपनी चोरी मान लेता और कहता कि मैं दोबारा चोरी नहीं करूंगा तो भी मेरे पापा यकीन नहीं करते। मेरी माँ मेरा साथ देती थी, जन्म देने वाली माँ कहती है कि उसने ऐसा नहीं किया होगा। माँ को मुझ पे भरोसा था, दुनिया की हर माँ ऐसी ही होती है। मैं पढ़ाई लिखाई में अच्छा नहीं था लेकिन कैसे भी करके मैं 12वीं तक पहुँच गया और ये है मेरा क्लासरूम। स्कूल में आने के बाद टीचर्स ने मुझे अपने स्कूल का हेड बॉय बना दिया, पर मुझसे वो काम भी नहीं हो पाया और धीरे धीरे मैं स्पोर्ट्स में आ गया। थी ना? ए मैंने नहीं ली। मुझे पता है तू नहीं ली होगी। अरे नहीं ली बोला ना? ए, अरे मैंने नहीं ली थी। अरे कहो ना। ए अरे फ्रेंड को क्यों मार रही है? क्लिप उसकी, उसे ही कह रही हूं। अरे हमेशा उसकी चीजें चुराती रहती है। अरे ए अरे अरे तुझे नहीं छोड़ूंगी। अरे अरे चुप छोड़ दे। क्या कर रही है? अरे छोड़।
ए सुन ना, भाई का भी कवर चढ़ा देना। हाँ? मैं सिर्फ अपने बुक्स के लिए कवर लेकर आई हूँ, तुझे चाहिए तू लेकर आ। मतलब तू नहीं चढ़ाएगी है ना? ए, मुझे दे। ठीक है चढ़ा चढ़ा चढ़ा। क्या देख रहा है रे? इसका थोबड़ा। शशि आकर डोसा खा ले। हाँ मेरी क्लास का टाइम हो गया है। हाँ हाँ बेटा ठीक से खा ले। जल्दी दो, एक और देना। ये लीजिए। माँ मेरी क्लास का टाइम हो गया, मैं तो जा रहा हूँ, शाम को मिलता हूँ। ए, ए, तूने मेरे बैग से कवर चुराए है ना? देख झूठ मत बोल, देख अपनी बैग खोल। ए मैंने नहीं किया, छोड़ बैग, छोड़ मुझे। ए रुक जा, रुक जा। माँ माँ क्या हुआ? देख तेरे बेटे ने मेरे सारे कवर चुरा लिए। छोड़ ना बेटी, इसमें झगड़े की क्या बात है? क्या माँ पापा? अरे छोड़ ना बेटी, दूसरी ले लेना। अरे रुक, नाश्ता तो करके जा। मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ? ए ईश्वरी। हाँ? यशोदा आ गई है, जल्दी से नहाकर तैयार हो जा। मैम क्या ये तेरे मुंह में कुछ लगा? अरे जाना। अरे अच्छा पीछे देखना, ये भी कोई देखने की चीज है? 2 मिनट कितना टाइम लगाएगी बहन? कितने लोग काम कर रहे हैं? 16 लोग हैं और हम दोनों को मिलाकर 18 होंगे। काम से वापस आए हो? हाँ। जाते वक्त ये पानी नहीं ले जा सकते थे क्या? बेचारी कितनी मेहनत करती है, बच्ची को भी पाल रही है। ओके माँ बाय। शी स्कोर्ड गुड मार्क्स। She is subject, scored is verb, good mark is object. Teacher? आइए मैडम, ये टाइम है आपके आने का, 9 बज गए हैं, घुटने पर बैठो तभी तुम लोगों को अकल आएगी। She, कल ग्राउंड में कौन कौन झगड़ा कर रहा था? ओहो, एक बार में कहा तो समझ में नहीं आता। उठ जा। इतनी बड़ी हो गई हो, तुम लोगों को ये सब करते शर्म नहीं आती क्या? बाकी की लड़कियों को देखो कैसे चुपचाप बैठी रहती हैं, अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती हैं। ए प्रियंका तुम तो अच्छे से पढ़ती हो ना, तो इन लोगों के साथ झगड़ा क्यों किया? नहीं टीचर, इसने मेरी हेयर क्लिप चोरी कर ली थी। क्यों यशोदा, उसकी हेयर क्लिप क्यों चोरी की तुमने? नहीं टीचर मैं। तुम लोग सब अच्छे से नहीं रह सकती हो क्या? ऊपर से सब ग्रुप बनाकर बैठी रहती हो। ए तुम जाकर पीछे बैठो, तुमसे ही कह रही हूँ ईश्वरी। हाँ? पीछे की बेंच पर जाओ, जब अलग रहोगी तभी तुम लोग पढ़ाई पर ध्यान दे पाओगी। पढ़ने वाले बच्चों को भी बिगाड़ दिया है, अगर इस साल फेल हुई ना तो स्कूल आना ही मत, अपने घर पर ही बैठी रहना। देख क्या रही हो मुझे, चुपचाप जाकर पीछे बैठ जाओ। ए अंजना तुम किस ख्यालों में खोई हुई हो, आगे की बेंच पर आ जाओ। ए पद्मा जाकर उस तरफ बैठ जाओ, बैठ जाओ। शी स्कोर्ड गुड मार्क्स, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। शी इज सब्जेक्ट, शी के बदले ही भी लगा सकते हैं। ही भी सब्जेक्ट ही है, उसी तरह स्कोर्ड के बदले वेंट टू डाल सकते हैं। अब कौन भैंस की बच्ची क्लास में पढ़ाई पर ध्यान ना देते हुए नेल पॉलिश लगा रही है? अगर वो खुद उठकर आ गई तो मार्क कम पड़ेगी, वरना ऐसी हालत करूंगी कि अगर मुझे वहां पर आना पड़ा तो अच्छा नहीं होगा। अब चुपचाप खड़ी होती हो या नहीं? ठीक है सब लोग खड़ी हो जाओ,
हाथ आगे करो, हाथ आगे करो, बैठ जाओ, खड़ी हो जाओ। हाँ दिखाओ। बाहर आओ, बाहर आ जाओ। स्कूल में पढ़ने के लिए आती हो या फैशन शो करने के लिए? क्यों समझ रखा है? क्लास के वक्त नेल पॉलिश लगा रही हो? चलो बाहर जाओ। ए, तुम लोग अंदर आओ। तू बाहर जा, घुटने पर बैठ जा। घुटने पर बैठने से कुछ भी नहीं होगा तुझे। तुझे तो ए हेडमास्टर के पास जाकर सिग्नेचर लेकर आ। जा, जल्दी जा। मैं भी क्लास में बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, ये तो आप भी जानती है ना। लड़कों को मार मार कर मेरी ये वाली छड़ी तक टूट गई है। आप जरा अपनी छड़ी मुझे देंगी क्या? अच्छा, यहाँ से आवाज आई थी बड़ी जोर की, एनी प्रॉब्लम? देखिए ना सर, क्लास में पढ़ाई के टाइम पर नेल पॉलिश लगा रही थी ये लड़की। अच्छा, पक्का एक्शन लेना चाहिए फिर तो। जाकर सिग्नेचर लेकर आ। मैडम, आप अपनी छड़ी जरा दे दीजिए, बच्चों को समझा कर दे दूंगा। ठीक है, अभी वापस ला करके देता हूँ। ये टुकड़ा कहाँ से आ गया? He subject, she subject. तो subject में Miss signature ले आई? अंदर आ जाओ। जाओ जाकर बैठ जाओ। लड़कियां जाती हैं तो क्या है, क्यों है पूछते भी नहीं और जल्दी से साइन कर देते हैं। क्वार्टरली एग्जाम्स आ रहे हैं, सब अच्छे से पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करना। थैंक यू टीचर। एक्सक्यूज मी सर, तुम पहले दिन ही लेट हो गई, जल्दी अंदर आओ, जल्दी। अरे यार, ये भी हमारे स्कूल में पढ़ती है, आज तक तो मैंने कभी इसे देखा नहीं। अरे यार, पीछे की बेंच पे जगह खाली है, अब ये मेरे बगल में आके बैठेगी या फिर पीछे जाकर बैठेगी? ओके, बैठ जा मेरे बगल में। आजा आजा आजा, आ गई, अब तो ये पक्का मेरे बगल में ही बैठेगी। कहाँ गई टीचर? एडिशनल पेपर। क्या बात है, 10 मिनट में पूरा लिख लिया? हो गया टीचर। तुम 12th की हो, मैं 10th की हूँ। अरे स्केल दे रहा हूँ, स्केल। ओ अच्छा, स्केल। टच किया तो कुछ बोली नहीं। अरे रबर भी दे दिया इसने तो, लगता है बात बन जाएगी, बात बन जाएगी। सर, एडिशनल शीट। अरे ये तो पढ़ाकू लड़की है, शादी के बाद जॉब ऑफ करेगी, मुझे आराम से खिलाएगी। सही है।
ए, ये क्या है, नकल कर रहे हो? उठ जाओ, बाहर जाकर घुटने पर बैठ जाओ। जाओ जाओ, वही बैठो। कोई बात नहीं सर, एडिशनल शीट मैंने ली नहीं, इसे क्यों वेस्ट कर रहे हैं, उनको दे दीजिए। हिंदी एग्जाम में तो एडिशनल शीट ली नहीं, एकदम बेकार लड़के हो, किसी काम के नहीं हो तुम लोग। एक खूसट बुढ़े, मैंने तेरे से धागा मांगा था क्या, क्यों मुझे दिया? मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही ना तुझसे। 10 मिनट्स मोर, सब अपने पेपर बांध लीजिए और खाली पेपर को क्रॉस कर दो। बर्दाश्त करने के इसलिए ये पहले से क्रॉस कर रहा था क्या? मैंने बिना मतलब ही इसे मिटाने के लिए रबर दे दिया। हे, पास हो जाएगा क्या? जितना लिखा है उसके हिसाब से तो पक्का पास हो जाऊंगा। लगता है मेरी गाड़ी चलने के लिए। ये क्या, तुम्हारी तो आधी शीट खाली है और कंफर्म पास हो जाएगा ये बोल रहा सर, है सर? मैंने आधी शीट तो भर दी ना सर, मेरे लिए यही बहुत है सर। तुम लोगों ने आंसर लिखने के लिए पेपर लिया था या खाली पेपर को क्रॉस करने के लिए लिया था? बैठो 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 बैठो, मेरे बारे में जानते हो ना, मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, ना कोई ताक झाक करेगा और ना ही कोई बातचीत करेगा, कोई नकल नहीं करेगा, अगर किसी ने ऐसा किया तो क्लास से बाहर कर दूंगा। हे भगवान, किसी तरह मुझे 20 मार्क्स दिलवा दे, तुझे 1 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। लगता तो नहीं मेरे 20 मार्क्स भी आएंगे, जवाब तो समझ में आ नहीं रहे। एक काम करता हूँ, सवाल ही लिख देता हूँ। सर, यूरिन आई है सर। है, यूरिन आई कुछ भी आए नहीं चलेगा, चल बैठ, मुझे कोई नहीं फंसा सकता, मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। है क्या है? सर, बहुत प्यास लग रही है सर। प्यास लगे या कुछ भी लगे, चल बैठ, मुझे कोई नहीं फंसा सकता, मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। सर सर, एक डाउट है सर। क्या? ये तीसरे क्वेश्चन का आंसर सी है ना सर? अरे पागल लड़की, क्लास में क्या ध्यान देती है तू? अरे इसका सी नहीं है, इसका बी है। अरे लड़की, मुझे तू फंसा रही है। बैठ 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 चल बैठ बैठ। हे 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 हे, बदमाशी नहीं कौन है? सवाल पढ़कर टाइम वेस्ट मत कीजिए, जवाब लिखिए जल्दी से। जब सवाल ही नहीं पता तो जवाब कहाँ से लिखूंगा, आप पेपर हमसे अभी ले लो। इधर उधर क्या देख रहा है? मालिनी टीचर। मालिनी टीचर कहाँ है रे? दिख नहीं रही है तो झूठ बोला इसने। हाय मालिनी, तुम बहुत खूबसूरत कैसे दिखती हो पता है क्या? जब भी तुम्हें बताना चाहता हूँ तो तुम्हारा खड़ूस पति मेरे सामने आ जाता है। नहीं छोड़ूंगा, बिना बताए नहीं छोड़ूंगा, एक ना एक दिन बता करके रहूंगा मालिनी, चाहे कुछ भी हो जाए। मालिनी मैं स्ट्रिक्ट हूँ, स्ट्रिक्ट हूँ, स्ट्रिक्ट हूँ, ऐसा सिर्फ मैं तुम्हारे लिए एक्टिंग करता हूँ मालिनी। मुझसे झूठ बोलकर उधर क्या देख रहा है? मालिनी टीचर। मालिनी टीचर। टीचर की उम्र हो गई है फिर भी घूम घूम कर हमें चीटिंग नहीं करने दे रहा। अरे बाप रे। ये तो चीटिंग वाले पेपर से हवा कर रही है, ऐसे कर रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। अरे
बाप रे, अब मैं क्या करूं? चीटिंग करूं क्या? लेकिन फंस गया तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। टीचर, तो आप इस रूम में हैं? हाँ सर। क्या यार, जितना लिखा था सब चाट लिया मैंने। साइलेंस। ठीक है। अब फंसेगा तू। Hey, क्या है वहाँ? तो तू नकल कर रहा था। चल उठ जा, चल उठ। सर छोड़, मैंने कहा ना उठ जा। सर गलती, चला जा मेरे साथ। दोबारा नहीं होगा सर। नहीं होगा ना? सर छोड़ दीजिए सर। तो फिर मैडम को बोल, ये बोलेंगी तो छोड़ दूंगा। प्लीज मैडम छोड़ दीजिए, बहुत मासूम है। जा मेरी किताब। अरे जाना। होटल नहीं है तो क्या करेगा ये बता। क्रो इज फ्लाइंग। अरे बाप रे, कहीं मुझे बोरी उठाने को ना बोल दे। निकल ले यहाँ से बेटे। बंदरिया जब देखो मेकअप करती रहती है। अरे बंदर। हे, आईने में शक्ल देख, कौन बंदर है समझ में आ जाएगा। माँ देखो ना इसने क्या कर दिया। क्यों इसे परेशान करता रहता है? गधा कहीं का। छी, देख मैं तुझे क्या करती हूँ। ठीक है तुम जाओ। पापा हा? मैं पहाड़ी वाले मंदिर में जा रही हूँ, मुझे चूड़ीदार लेना है, पैसे दीजिए ना। ठीक है बेटा, आराम से जाना, अपना ख्याल रखना। ए मोटू, वो आ गई। अरे हाँ पता है बे। चल चल यहाँ से जल्दी, वापस चल, वापस चल यहाँ से। अच्छा है ना ये? ठीक है। ये ठीक है। अरे ये बहुत अच्छा है ना? हाँ बहुत अच्छा है सच। भैया ये साइज का दूसरा है क्या? नहीं दूसरा तो नहीं है। ओहो, ये लीजिए। हाँ बोलो बेटी। पापा माँ कह रही थी कि शाम को किसी फंक्शन में जाना है। हाँ शाम को मैं आ जाऊंगा बेटी। तुम स्कूल जा रही हो क्या? हाँ मैं बस निकल ही रही हूँ पापा। ठीक है बेटी, संभल कर जाना। टिफिन रेडी है माँ? हाँ ये लो। अल्लाह, बाल नीचे नहीं ऊपर रखा कर। ए, वो आ गई आ गई आ गई, जरा देख कितनी खूबसूरत लग रही है। ब्यूटीफुल। आज मैं ना उसके धीरे 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 पास जाऊंगा और उसके बाद अपनी दिल की बात मैं उससे कह दूंगा, आज पक्का। यस। ए, अगर तूने बात नहीं की तो मैं कर लूंगा, समझाया? फटू कहीं का। तेरी तो झापड़ दूंगा। चली गई। अरे मैं चुप गया। चल चल चल, तो नहीं रहा। चल रहा हूँ, जल्दी आ। अरे दीवार के पीछे छुप जा। Treat me bad, why? Because they know about the gun me had. If they might shot, bye, boom. Teacher, 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 sorry. Lagi to nahi aapko. I'm sorry. Are you chaliye se? Hey, Malini teacher ko dhakka deta hai. Chalo, oh, sorry. Chal, bhaag yahan se. Bhaag, chal, chal, nikal yahan se. Sir, maine kya kiya? Dekhna nahi mere ko. Chal, kya galti hai? Teacher,
कुछ हुआ तो नहीं आपको? नहीं कुछ नहीं हुआ। तो मम्मी यहीं खड़े हो? सच में कुछ नहीं हुआ ना? ठीक हूँ सर। टीचर को कुछ हो जाता तो तुम लोगों को मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। क्यों रे ऐसे हंस क्यों रही थी तू? और वो तेरे पीछे पीछे क्यों जा रहा था? तेरा पीछा कर रहा था है ना? क्या कुछ चल रहा है ना? अगर स्कूल में आए तो सिर्फ पढ़ाई लिखाई पर ध्यान होना चाहिए। अगर आगे से ये सब करती हुई दिखी ना, जाए ऐसे। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। लगता है सब लोग आ गए हैं, बैठ जाइए। ऐसा महसूस हो रहा है कि सब एग्जाम देकर बहुत खुश हैं। अब आप आ गए हैं ना, आप कौन खुश रहेगा? अब हम देखते हैं कि एग्जाम का रिजल्ट क्या है। बेटी मालती, मालती को 192 नंबर मिला है। अरे तुम लोग चुप क्यों हो? ताली बजाओ, तुम्हारे ही क्लास की लड़की है, गरीब की बेटी है। इसके पिताजी इसे बहुत मेहनत करके पढ़ा रहे हैं। इस बच्ची से सारे बच्चों को सीख लेकर अच्छे मार्क्स लाने चाहिए। मैं सबको बधाई देता हूँ। अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। जाओ बेटी। ईश्वर मान जी, तुम्हें 185 नंबर मिले हैं, बधाई हो। प्रियंका 96, अंजना यहाँ आओ। A plus B whole square is equal to A plus B square। हिंदुस्तान में पैदा होकर हिंदी तक लिखना नहीं आता है और बातें तो ऐसे करते हो जैसे बहुत बड़े ज्ञानी हो। ताराचंद इधर आ जाओ। नहीं तो, सर, नहीं सर, सिर्फ 28 नंबर। शशि कुमार 8 नंबर। मैंने तो पेपर में सिर्फ लाइन खींची थी, फिर भी मुझे 8 नंबर मिल गए। लगता है जरूर ऊपर वाला मेहरबान है। कौन है वो जो 8 नंबर पर ताली बजा रहा है? बहुत अच्छे नंबर मिले तुझे, बहुत खुशी हो रही है ना? हाथ दिखा, सीधा रख। सर नहीं। दामोदर के पेपर की नकल की? अरे कम से कम नाम तो तेरा लिखता। पता नहीं तुम लोगों का क्या होने वाला है। सारे सब्जेक्ट्स में जो बच्चे फेल हुए हैं वो खड़े हो जाओ। अबे तू कैसे पास हो गया? वो क्या है कि चींटी ने मुझे काटा तो मैं बच गया यार। हाथी को चींटी ही मारती है पता है ना। कल अपने पेरेंट्स को बुला कर लाना। हेडमास्टर के पास जाकर अपना रिपोर्ट कार्ड ले लो। पापा रिपोर्ट कार्ड पर साइन करो। अरे वाह, अच्छे मार्क्स मिले हैं तुम्हें। ए भैया, पापा रिपोर्ट कार्ड साइन करे, तू भी अपना कार्ड साइन करवा ले। अरे रिपोर्ट कार्ड लेकर तो आ। ए चुप कर, बहुत मारूंगा तुझे। क्या हुआ बेटा? माँ रिपोर्ट कार्ड मुझे मिला नहीं है। चल जा। हाँ सारे बच्चों को मिल गया होगा, सिर्फ इसका ही नहीं मिला होगा। फेल हो गया होगा, बहाने मार रहा है। हाँ? क्यों रीप बन रही हो? तू मुझे पकड़वाएगी? रिपोर्ट कार्ड नहीं मिला, मुझे मार खिलवाना चाहती थी तेरी को। चुप हो जा। क्यों रे छोटे, गाड़ी को साइड में लगा रहे क्या? अरे भाई आप। ए क्यों लगा रहे साइड में? चुपचाप बोला तो आप सुनते नहीं हो क्या? अरे सारे बच्चे जा रहे हैं। अब मैं आपसे जो कहूंगा सिर्फ वैसा करना। आप बोलने की एक्टिंग करो और मैं सुनूंगा। चलो। मान लो कि तुम हेडमास्टर हो। मैं सर, ये मेरा छोटा भाई है और मैं रमेश कुमार। मेरा भाई रोज सुबह सुबह किताब लेके पढ़ने बैठ जाता है, फिर भी हाँ एग्जाम में। हाँ हाँ एग्जाम आते ही भूल जाता है। अरे मैं नहीं भूलता, आप भूल जाते हैं। एक बात बोलो, बोलना तो नहीं भूलोगे ना? हाँ नहीं नहीं लेकिन। अरे क्या लेकिन? वो क्या है कि हाथ थोड़ा कांप रहा है ना, इसलिए थोड़ी घबराहट हो रही है। अगर वो रुक गया ना तो फिर देखना। अब ऐसा है कि आप बिना क्वार्टर के सब कुछ बोलोगे, ठीक है? जी जी, क्या हुआ, एक क्वार्टर ही तो है ना। अब उसके लिए मुझे कुछ नहीं होगा, तुम्हें तो पता है ना मेरा फूल का कोटा है। अगर क्वार्टर मार लिया ना तो फिर जो तुम चाहता है ना बिना भूले बोल दूंगा। ठीक है तुम यहीं पे रुको, मैं जाता हूँ। ए चखना मत भूल जाना। हाँ ठीक है। अरे रे रे रमाएगा तो ही राग आएगा, अरे जल्दी लेके आ, अगर पिया नहीं तो भूल जाऊंगा। कैसी बीड़ी है यार, पूरी डुप्लीकेट है। ये लो, इसमें सब कुछ है, और ये भी पकड़ो। इसे पकड़ो। ये क्या किया, पूरा पी लिया, चढ़ गई तो।
अरे तू बिल्कुल टेंशन मत ले, गड़बड़ ना हो जाए। आप देखना तेरा भाई क्या करता है, किसी को पता ना चले। क्या करते हो आप भी? अब देख मेरा कमाल, सर ये मेरा छोटा भाई और मैं रमेश कुमार। मेरा भाई डेली सुबह होते ही बुक लेके पढ़ने लगता है, एग्जाम में बैठते ही भूल जाता है। बाप का नाम रामकृष्ण और माँ का नाम वैजंती, छोटी बहन का नाम यशोदा। देखा हाथ तो नहीं कांपना, देखा डायलॉग बहुत छोटा था, अगर लंबा होता तो भी एक टेक में बोलता ही। अरे चलो भी। मैं चल के जाऊंगा क्या? अरे क्या करो, चलो ना। ए, थोड़ा आराम से चलना। सर नमस्ते। सर जी नमस्ते। ये मैं रमेश कुमार, मेरा भाई रोज सुबह सुबह। ये चपरासी है, प्रिंसिपल नहीं है, दिखता नहीं है क्या? बैठ रे। जरा नंबर देख अपने। आप जा सकते हैं। आजा आजा आजा, आइए आइए। हाँ बैठिए। सर आप ही हेडमास्टर हो? हाँ मैं ही हूँ। नमस्ते सर। हाँ। वो बाहर भी एक हेडमास्टर बैठे हुए थे, उन्हें भी नमस्ते करके आया। तुम्हारा नाम क्या है? सर शशि कुमार है सर। अच्छा पापा को लेकर नहीं आए, ये कौन है? सर क्या सर ऐसे पूछ लिए, मेरा छोटा भाई सर, ये सुबह होते ही बुक लेके पढ़ने बैठ जाता है सर, लेकिन वो एग्जाम आने के बाद सब भूल जाता है ना? सही बोला ना? अरे हाथ मत दिखाओ। देखिए 12th का एग्जाम है, सही तरीके से पढ़ेगा तो ही। सर अभी तो ये गोटी खेलने भी नहीं जानता सर, वैसे इसे ट्रेनिंग दे रहा हूँ सर, है ना बे? किस मुसीबत को ले आया मैं? क्या कह रहे हैं आप, अगर ये इतना ही पढ़ता है तो मार्क्स कम क्यों आए? 8 सब्जेक्ट में फेल है। 8, 5, 9 ये सब मार्क्स मिले हैं। अरे इस साल फाइनल एग्जाम है इसका। सर इसने मुझे बोला कि 2 सब्जेक्ट में फेल है, 8 सब्जेक्ट में फेल है। अरे पढ़ाई नहीं करनी तुझे। सुनिए क्या कर रहे हैं? अरे रुकिए, आप यहाँ इतना क्यों गुस्सा हो रहे हैं? आपको अगर समझाना है तो घर ले जाकर समझाइए, यहाँ आप ऐसा नहीं कर सकते। झूठ बोल के मुझे बेवकूफ बनाता है। अरे बाप की कमाई को मट्टी में मिला दिया। ए, तेरी तो बाप इतना मेहनत करके कमाता है, अब तुझे पढ़ाई नहीं करनी है? आपको मैं समझा रहा हूँ, रुकिए। मेरी दारू पी के मुझे ही मार रहा है, तू बाहर निकल तुझे बताता हूँ मैं, छोड़ूंगा नहीं। सुन बेटा अभी तो तू अच्छी तरह से पढ़ाई कर, तेरा भाई कितना समझदार है, उसे तेरे भविष्य की कितनी चिंता है, कितना परेशान है बेचारा। हाँ लो इसे और मन लगा के पढ़ना, ठीक है? हाँ। क्यों झगड़ा क्यों कर रहे हो तुम लोग? हाँ मैं पूछ रहा हूँ ना, बोलो क्यों झगड़ा किया, जवाब दो। चलो जाओ ग्राउंड के चक्कर लगाओ, जाओ। बत्तीस 33 हंसी कहीं का क्या हुआ? कुछ नहीं। तो फिर ऐसे घुटनों पर क्यों घूम रहे थे? मेरे क्लास में एक है, जब देखो तब मुझसे झगड़ा ही करता रहता है वो, देख लेना एक दिन मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मार दूंगा। कौन मुझे तुम्हारे साथ घूम रहा था वो? हाँ। अरे रे वही तो मेरा भाई है। ऐसा क्या? ठीक है अब तुम उसके मुँह मत लगना। हाँ देख ज्यादा हंस मत हाँ, वरना बहुत मारूंगा, सच कह रहा हूँ। ये लो। क्या बे, प्रियंका से प्यार करता है और लव लेटर पद्मा से लेता है? हेलो मैं इससे प्यार नहीं करती हूँ, प्रियंका ने इसे देने के लिए कहा है। चलो मान ली तुम्हारी बात, मुझे देखकर ये बताओ क्या मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट हूँ क्या? छी तू भी। चलो हाँ नहीं बोला तो ना भी तो नहीं बोला। पढ़ 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 क्या लिखा है?
स्कूल के बाद मुझे आश्रम के पीछे मिला। चलो चलो छोड़ ना। अरे चलो ना जल्दी छोड़। अरे जल्दी आओ। अरे चलो मेरे साथ। छोड़ ना। देखते हो हंसते हो ये सब करना बंद कर दो ये कहने के लिए बुलाया था, लेकिन ये सब देखने के बाद बिना बोले और बिना हंसे रह ही नहीं पा रही हूँ। ए क्या रे, हम हमेशा यहाँ पर साइकिल पार्क करते हैं, तू निकल यहाँ से, चल चल जा। ए घूर क्या रही है, बात समझ में नहीं आई क्या? तुझे आज फिर टीचर से मार पड़ने वाली है। तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? हाँ? क्या हुआ? हमारी क्लास में एक झगड़ालू लड़की है, इसने साइकिल यहाँ खड़ी की तो मेरी जगह कहकर झगड़ा करने लगी। कौन है वो लड़की? जब स्कूल हम सबका है तो कोई साइकिल कहीं खड़ी करे वो कौन होती है मना करने वाली? एक बार मुझसे फेस टू फेस मिलेगी ना तो फिर मैं उसको ना ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगी। चुप कर, लिमिट में रह। तूने क्यों मारा यार? क्योंकि मैं तुझसे प्यार करता हूँ पागल। अब तुम लोग देखो कि मैं क्या करता हूँ। अरे बाप रे, रुक जा यार। तू जितना सोच रहा है मैं उतना नहीं मारूंगा। कौन थी? हाँ रुक जा मेरे भाई। अरे चुप करना, कौन थी बोलो? ये यहाँ क्या कर रहा है? मोटू मैंने बोला था ना ये हमारे साथ खेलेगा, अगर ये मना भी करेगा तो हम इसे मना लेंगे। तू क्या बोल रहा है यार? टीम 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 बनाने के लिए करना पड़ता है यार, अगर ये हमारी टीम में खेलेगा तो हम लोग सारे मैच जीतेंगे, समझ गया ना? हाथ मिला इसे। चलो चलो यहाँ से चलते हैं। चलो 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 चलो। प्रियंका प्रियंका मेरी बात तो सुनो, वो मेरी बहन है प्रियंका। कौन? ईश्वरी तेरी बहन है ये यकीन करूं? ईश्वरी नहीं, यशोदा मेरी बहन है। अगर हमारे बारे में यशोदा ने घर में बोल दिया ना तो पापा मेरी चटनी बना देंगे, समझा करो यार, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्लीज मान जाओ। मान जाओ। मैं मान गई। देख कर चलो। ये लो। बहुत खूबसूरत है। कैसी लग रही है? बहुत। ये मैंने तेरे लिए लिया है उस दुकान से। कैसा है? अच्छा, बहुत खूबसूरत है। इसे जरा उल्टा करके देख, बड़ा मजा आएगा। अरे कमीने नालायक, ऐसी चीज मुझे खरीद कर देगा? अरे मेरी बात तो सुनो। अरे 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 अरे, अरे देख कर नहीं चल सकती क्या? आंखों पर पट्टी लगी है तेरे। माँ माँ दुख रहा माँ। अरे ये बलून कहाँ से मिला? वो ऊपर वाले बलून की दुकान से लिया। ऊपर ऊपर बलून वाला कहाँ है? ठीक है चल चल आराम से। सुनो जरा इसे एक बार देखो ना। कहाँ है? अरे अरे पैसे कौन देगा? सॉरी सॉरी। तू यहाँ क्या कर रही है? चल मेरे साथ चल चल। अंजना तू यहाँ क्या कर रही है? तू ही मुझे छोड़कर गई थी। अरे तू ऊपर क्यों नहीं आई? चल। अरे तू यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहा है बेटा? माँ वो मैं सुन, इसके पैर में चोट लगी है, तू जल्दी से इसे डॉक्टर के पास ले जा, ठीक है? हम पीछे से आ रहे हैं। गाड़ी नहीं रोकी उसने।
क्या कर रहा है? अरे ये गन्ना मेरा है, ये मैंने अपने बच्चे के लिए लिया था, वापस कर। अरे मेरा गन्ना दे दे भाई, बच्चे का गन्ना मेरे बच्चे के लिए है, अरे वापस कर देना। क्यों ये ले ले जा, ये क्या? चल तेरी तो दोबारा करना मत। है तो राधा कृष्ण का लड़का है ना? जी सर। तू तो बहुत ही गरीब खानदान से है, पिछले 10 साल से मैं तेरे बाप को जानता हूँ, लगता है अब वो थोड़ा ठीक है। मेरी बेटी क्लास में फर्स्ट आती है, मेरी इच्छा है कि मैं उसे डॉक्टर बनाऊं। अगर उसके पीछे प्यार व्यार के चक्कर में तुझे देखा ना या ऐसी खबर कोई सुनी तो फिर? तो फिर हम दोनों जो प्यार करते हैं उसका क्या होगा? मेरे पापा ने मेरी भी पूरे 1 घंटे क्लास ली, पर तुम्हें भूलकर मैं बिल्कुल नहीं रह सकती। मैं क्या कह रही हूँ, इस साल तुम्हारी फाइनल एग्जाम्स हैं, अच्छी तरह से पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स लाओ, फिर मैं अपने पापा को किसी भी तरह से राजी कर लूंगी, ठीक है? अब हंसो ना, हमेशा तुम ही मुझे हंसाते हो ना, आज मैं तुम्हें हंसाऊंगी, हंसो ना। मत करो, हंसो ना। मत करो ना, मैं कह रहा हूँ मत करो। अरे कोई बात नहीं, करो। दरवाजा खोलो, अंदर से कड़ी क्यों लगा रखी है? बात करने के लिए कड़ी लगाने की क्या जरूरत है? पियोन, पियोन। मालिनी टीचर, अब तो फंस गए। अंदर से किसी ने दरवाजा लॉक कर दिया है। अंदर कौन है? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। ए, पीटी पीरियड में सब बाहर खेलने के लिए गए हैं, तुम ऐसे दरवाजा बंद करके क्लासरूम के अंदर क्या कर रही हो? हाँ, कड़ी लगाने की क्या जरूरत थी अंदर से? हाँ, जवाब क्यों नहीं देती? ए, तू यहाँ क्या कर रहा है? चल उठ जा, बाहर निकल, बाहर निकल। कितनी बार समझाया है मैंने तुझे कि ये सब करना बंद कर, समझता नहीं है? पढ़ाई में इतनी अच्छी हो, पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे सकती क्या? चलो बाहर, चलो बाहर, चलो। मैंने कहा नहीं मैम, प्लीज माफ कर दो मैम। हेडमास्टर के रूम में चलो। तुम लोग इस तरह से नहीं मानने वाले हो। है क्या ये? सॉरी, ये थिएटर है या फिर पार्क है? तुम लोग यहाँ पढ़ने आते हो या मौज मस्ती करने? और मारिए तो अच्छी लड़की है पढ़ने वाली, तो इसके साथ क्या कर रही है? मैं तुझे नोटिस देता हूँ, अपने पेरेंट्स को लेकर के आना, उसके बाद आना क्लास में, समझ गया ना? वो दिन हमारे लिए बहुत मनहूस था, लेडी टीचर हमारी बात सुन ही नहीं रही थी, हमने उसके पांव पड़े, तब कहीं जाकर उसने हमें माफ किया। उस दिन के बाद हम स्कूल में एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे और ना कभी मिलते थे। मैं बस चाहता था कि प्रियंका कैसे भी करके अच्छे से पास हो जाए। मैंने भी पढ़ने की कोशिश की मगर कुछ भी मेरे दिमाग में नहीं घुसता था। और फिर हमारा फाइनल एग्जाम आ गया और तब मैंने एक आइडिया लगाया। ए, इधर आ, ठीक है? उठो। सब लोग रोल नंबर लिखिए और डेट डालिए। ए, मैं अंदर जा रहा हूँ, उधर से कोई आएगा तो तू सीटी बजाना, ओके? हाँ?
जल्दी कर जल्दी कर, ये ले। अरे कौन आ रहा है, छुप जाता हूँ, यहीं छुप जाता हूँ। ए, तुझे सिटी मारने के लिए बोला था ना, तेरे चेहरे पे क्या लगा है? भूल गया था भाई। क्या मनु, वाइन शॉप स्कूल के बगल में ही खोल दी है क्या? ए, क्या कह रहे बुड्ढे, तेरी पैर कब्र में लटकी है, मजा आ रहा है। चल रे, चलो ना। अरे रे, वो काम नहीं हो सकता लड़की, वो चीट फेंक के आने में जान ही निकल जाती है। अगर किसी केस में साइन करके आता हूँ ना, तो एक क्वार्टर का पैसा निकल जाता है। यहाँ एक हाफ के चक्कर में लगता है मेरा ही हाफ हो जाएगा। मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तू समझा दे इसे। क्या भैया, ऐसे आधे में ही छोड़कर भाग रहे हैं? अरे एक हाफ के लिए मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं उठा सकता हूँ। तो फिर फुल दूंगी, ओके? फुल बोलोगी तो सोच सकता हूँ, ये अपना ही लड़का है, ये भी हमारी मदद करेगा। अब तुमने फुल बोल दिया तो मैंने भी फुल सोच लिया। तो फिर हाफ चलेगा भाई? जिंदगी का सफर है सुहाना, या कल क्या हो किसने जाना। उड़ले उड़ले ए, चिट कहाँ है, कहाँ है चिट, रेडी है आ? क्या भैया, सुबह सुबह इतनी जोश में दिख रहे हो, अब तक तो बेल भी नहीं बजी। क्या बोलूं, छोटे की मदद करने के लिए मैं पूरी तरह से तड़प रहा हूँ। ये क्या, बेल नहीं बजी अभी तक? वाइन शॉप खुल गया है और ये लोग अभी तक बेल नहीं बजाए। ये क्या बिना जिम्मेदारी के काम कर रहे हैं, कौन है बेल बजाने वाला है? भाई सही ढंग से डाल दिया ना, वो भी एक पीछे ही पड़ जाता है। भैया तुम जाकर लेकर आओ। उधर जाके मुंह लेके बैठ मत जाना, तुरंत देके वापस आना, ऐसा ना हो कि हम लोग खड़े खड़े तेरा इंतजार ही करते रहे। अरे तुम्हें क्या बताऊं, एक दोस्त मिल गया था, उसने बोला थोड़ा दो पैक मार ले, तो मैंने मार लिया। अबे नंबर बदल गया यार, इसमें तो नंबर नहीं है। चल उधर देखते हैं, शे यहां भी नहीं है, चल वहां देखते हैं। शे ए, चल यहां से। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। ये सुनना, पेपर लिया। यहां साइन करो। लो, देख के टिक कर दो बेटी, घबराहट में गलत मत कर देना। अगले एग्जाम में भूखी ले जाके दे दूंगा, ऐसे में बहुत झंझट है। क्यों भाई, हाँ यही रूम तो था। इस खिड़की से देखता हूं, ये तो वो नहीं है। इधर ही तो था, एक दो तीन खिड़की बदल गई क्या? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अंदर सारा रूम देख लिया बे, वो कहीं दिख ही नहीं रहा है। ऐसा क्या? हाँ एक आइडिया है। बारहवीं का एग्जाम देने वाले बच्चे लोग, मेरी बात ए, जा बे। अभी तुम लोगों का क्वेश्चन पेपर आंसर पेपर में बदली होके तुम्हारे पास आना चाहता है। पढ़े लिखे हुए, नहीं पढ़े लिखे हुए, उन सबको एक मौका है। क्वेश्चन नंबर वन सी, क्वेश्चन नंबर टू डी, क्वेश्चन नंबर थ्री सी, क्वेश्चन नंबर फाइव सी, क्वेश्चन नंबर फाइव
डी 20 नंबर वन क्या ए 20 नंबर फोर क्या डी अरे इधर झगड़ा हो गया इसलिए जवाब नहीं दे पा रहा हूँ तू कुछ भी कर दे तुम लोग बड़ा हो जाना ए छोड़ दे अरे अरे कौन है ये मुझे पकड़ने वाला है अरे भागो रे अरे ये लोग आ गए की जगह रे अरे जल्दी भाग जल्दी भाग जल्दी भाग भाग कर कहाँ जाएगा छोड़ेंगे नहीं तुझे मैडम वादी बाहर आंसर पढ़ रहा था क्वेश्चन पेपर आखिर यहाँ से लीक कैसे हुआ मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती सर उठो सर इस रूम में दो लड़के पकड़े गए हैं सर पेपर से रिलेटेड मैटर माफ कीजिए सर माफ कर दीजिए सर आज दो लोग एब्सेंट हैं लेकिन यहां पर क्वेश्चन पेपर एक ही है वो दूसरा कहां गया सर क्वेश्चन पेपर्स तो यहीं पर रखे थे पता नहीं ये सब कैसे हुआ सर एग्जाम शुरू होने के आधे घंटे के बाद अगर स्टूडेंट नहीं आया तो क्वेश्चन पेपर को ऑफिस में वापस किया जाता है ये बात आपको पता नहीं है क्या आपने ऐसा क्यों नहीं किया हमेशा प्यून लेकर जाता है सर लेकिन आज वो भी नहीं आया पता नहीं तो फिर यहीं किसी ने लिया होगा किसने लिया है अगर बता दिया तो मैं किसी के साथ कुछ भी नहीं करूंगा लेकिन अगर पकड़ लिया तो 5 साल के लिए सस्पेंड चलो बताओ कौन है सब खड़े हो जाओ सभी अपना पेपर दो सर मैंने किया है सर ओहो चलो बाहर आओ चलो बैठ जाओ सब लोग चलो बाहर यही है सर इस लड़के की वजह से पेपर लीक हुआ है ऑफिस में चलकर बात करते हैं अगर मैं गलती नहीं मानता तो उस गरीब लड़के की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती हमारे स्कूल का नाम बदनाम ना हो इसलिए प्रिंसिपल ने स्क्वाड से रहम करने की गुजारिश की और तभी उस दिन दोपहर में प्रियंका स्कूल आ गई सोचा था स्कूल में जाकर अच्छी तरह पढ़ाई करेगा पर नकल करता है 5 साल गए ना तेरे मेरे इज्जत की धज्जियां उड़ा दी तूने मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा तूने क्या किया तूने इज्जत का नाला मुझे मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे अरे तू तुम्हारी वजह से हुआ है मैं आज इसकी जान ले लूंगा कहीं भी जाकर मर जाए पर यहाँ नहीं रहेगा ये भाई मर जाओ भाई भाई हाँ बोल वो दोनों वापस आ रहे हैं मैं अभी आता हूँ
चल जल्दी कर। चल बता किसको मारूं? सामने वाले को। ये देखा ये क्या है? अरे ऐसे नहीं चलेगा, वही खड़े होकर मारना होता है। यहाँ पे यहाँ पे तुम्हारे मुझे दे मारो मेरा ये हम नहीं मारेंगे। क्या क्या मैं मारने में क्या समझा? नहीं नहीं क्या होता है? चल ए देखो कितना गैप है। हाँ अब बता। हाँ है दो उंगली का गैप है। हाँ ये देख ये देख। हाँ ठीक है अभी देख। हाँ ठीक है मार। ये माँ काली वार न जाए खाली। अब बता किसे मारूं? इस वाले को। उसे ये ले। बहुत खिलाड़ी बन रहा था। आगे वाली को चल चल फेंक। किसको? पीछे वाली को। अच्छा अगले वाली को ये ले। ए भाई क्वार्टर का पैसा रखा था वो भी सब चला गया यार। सुबह क्या खाया तूने? वही बासी चावल। तभी तू ऐसा कर रहा है। ओ, खेलना है कि नहीं? मैं मारता हूँ। चलो आओ डालो। क्या भाई तू बीच में क्यों चिल्ला रहा है? चुप रहना क्या पता क्या? अरे तू साइड में खड़े हो। साइड में खड़े हो जब मैं खेल रहा। चल 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 ऐसा होता है समझा ना। तुम्हें ए तू अपनी चाल चल 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 उसे मार। अरे वाह वाह क्या मारा है क्या मारा है? पैसा लगाना है तो आगे खेल खेलते हैं। चल फिर से खेला जाते हो क्या? तू चल 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 ये ले चल ले मेरी तरफ से पैसे लगाओ। ए भाई सारे पैसे डाल दिए अच्छे से खेलना रे। क्या क्या तूने क्या कर दिया यार? नहीं लगा ये सही है ना? चल मार। एक साथ दोनों उड़ेंगे। अरे इशारा लगाया है वाह। अरे मजा आ गया। अरे मैं तो पहले ही जानता था अभी जीतेंगे। रामचंद्र। हाँ साहब। अगरबत्ती है क्या? हाँ है ना साहब।
साहब जला दूं क्या? बिरयानी की गंध बहुत आ रही है। उसके लिए नहीं, उसके नीचे जो लकड़ी है ना उसे तोड़ कर दे। एक नंबर का कमीना इंसान है। अरे रामचंद्र साहब, चार पांच दिनों से कोई बड़ा केस नहीं आ रहा है, कमाई धमाई बड़ी कम हो गई है, गांव में सब सुधर गए हैं क्या? सुधर जाएंगे तो ही बाल बच्चों के साथ सुखी रहेंगे ना, नहीं सुधरेंगे तो इसके बाल बच्चे सुखी रहेंगे। हाँ? पता नहीं साहब, और कुछ लाऊं? नमस्ते साहब। साहब वो एक छोटी सी बात थी। क्या बोला तुमने? ये लोग बच्चे हैं साहब, इन्हें छोड़ दीजिए ना। इन लोगों ने क्या किया है तो जानता है? नहीं जानता। वाइन शॉप में लफड़ा किया है। लफड़ा किया है? ए, तुम लोग इतने छोटे होके वहाँ जाके लफड़ा करते हो, शर्म नहीं आती है? ए, इन लोगों ने वहाँ शराब पीकर लफड़ा किया है। ओ, शराब पिया था? क्यों बे? तुम लोग पीने भी लगे हो? जान से मारूंगा, जान से मारूंगा। ज्यादा ओवर एक्टिंग मत कर, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। साहब बच्चे हैं साहब, गलती हो गई साहब, शराब पी के लफड़ा खुद किया और पकड़े हम गए। मैं ये तुम्हारे अगरबत्ती, मच्छर का क्वाइल और पेपर लाने से छोड़ दूंगा क्या? सर इस केस को पहले की तरह ही सुलझा दीजिए ना। चुप रहे भाई, क्या बोल रहा है? चल उठ रहे, जाके कोने में खड़ा हो जा। किस गांव से हो तुम दोनों? सर हम अड़ागुनू से हैं सर। साहब बम्बू हम लोग लेकर आ गए हैं, बताइए कहाँ पे उतारना है। रामचंद्र बोलिए साहब। गर्मी बहुत है अपने घर में, तो रात को अच्छे से नींद नहीं आती है, इनको ले जा करके बोलो अपने टेरेस के ऊपर एक टेंट बांध दें। किस घर के ऊपर बांध दें? तुझे नहीं मालूम है क्या? नहीं। बोल दे उसी घर में लगा दें। ठीक है साहब। तुम लोग भी इसके साथ जाके काम कराओ, काम खत्म होने के बाद वापस घर चले जाना। बड़ा एक खड़ूस इंस्पेक्टर है, बिना मजदूरी करवाए छोड़ेगा नहीं है। चलता हूँ साहब। ए, क्या कर रहा है तू? पानी। सर सॉरी सर, चल यहाँ से, बाहर जाके पानी पीना, यहाँ पानी पिएगा, चल। ए, मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे ओ सुब्रमणि, कहाँ चले गए थे यार? छोड़ कर चला गया था। जरा निकाल निकाल निकाल, मुझे दिखा एक बार। बंदूक खराब है, बनाना पड़ेगा। अरे दिखाना यार, तू साइड में लगा। मैंने जो चलाया था उसे तूने देखा था? देखेंगे देखेंगे देखेंगे। इस बंदूक से तो मैं ऐसा निशाना लगाऊंगा कि चिड़िया के पेट में जो अंडा होगा वो भी फूट जाएगा। ये तो हमारी खानदानी परंपरा है। अच्छा से डाल, जमा के डालना। संभल कर भाई, पीछे से फूटेगा। हाँ अबे अब तू मुझे सिखाने चला है? वो तोता तुझे दिख रहा है? क्या कर रहे? क्या अबे कैसी खटारी बंदूक रखी है? देखा निशाना? नीचे गिर गया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। छोटे वैसे इन सबको घूम के खाएंगे तो मजा ही आ जाएगा, और अगर इसके साथ एक क्वार्टर हो ना तो रंग ही जम जाएगा। मुझे मत बोल, सुब्रमणि को बोल। हाँ ए अगले हफ्ते मुझे वैसे भी बाहर जाना है, सोच रहा था इस बार तेरे साथ आखिरी बार पी लूं यार। अरे यार तू भी ना। ए हाँ हाँ, हमारे गांव में वो ज्योतिष वाला है ना? हाँ हाँ हाँ, आ गए, आ जाओ जल्दी। अरे आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ, सबका देखना है क्या? देख लूंगा। शशि कुमार नाम के आदमी का वक्त कैसा चल रहा है जरा बताइए। पहले पैसा तो रखो, उसके बाद नमिता को दिखाऊंगा। इस तोते का नाम नमिता है। एक्चुअली मुझे ये नाम बहुत पसंद है, इसे बादाम देता हूँ तभी बाहर आती है। ये बादाम खाती है? नहीं सिर्फ ये फोड़ देती है, उसके बाद बताती है शशि कुमार के नाम पर उसका वक्त कैसा चल रहा है। एक फर्स्ट क्लास चिट्ठी निकाल दे नमिता बेटी। हाँ आ गया छे। जो चिट्ठी निकली है उसमें सब गड़बड़ है, 7:30 चल रहा है। बच्चा इस वक्त तेरा समय बहुत खराब है, 3 शनिवार को शनि भगवान के मंदिर में घूम कर आ। घूम लूंगा। एक काम करो, तुम्हारा टाइम अभी कैसा चल रहा है मुझे ये बताओ। पहले सबका देख लेता हूँ फिर अपना देखूंगा। अरे कोई नहीं, तू देख, तेरा पैसा भी मैं दे दूंगा। ऐसा क्या, सुनकर बहुत खुशी हुई। जय के नाम पर अब एक अच्छी सी चिट्ठी निकाल दे मेरी बेटी नमिता।
कुछ नहीं, कुछ नहीं। अरे देखो भाई, देखो भाई, साक्षात लक्ष्मी देवी ही आ गई हैं। लक्ष्मी देवी आई हैं मतलब आज गांव में तुम्हें बहुत पैसे मिलेंगे। अरे भाई फूल का बंदोबस्त हो जाएगा। हाँ क्या बोले भाई आप? नहीं, फूल वसूल हो जाएगा। ऐसा क्या, ठीक है ये अच्छी बात नहीं है। अगर ऐसा करोगे तो गाँव के मुखिया को जाकर बता दूंगा। ओए गाँव के मुखिया हम है, हम जो चाहेंगे वो होगा। हमारे पास जो खाना उसमें मटन नहीं है ना भाई? फंस गया क्या शिकार? काट दो। अरे दुष्टो सुनो, उस तोते के ऊपर ही तो मेरा पूरा बिजनेस है। मेरे पास जितने पैसे ले लो और तोता मुझे दे दो। अबे ज्योतिषी, एक छोटे से तोते से इतना मोटा चेन बनाया क्या? ऐसी बात नहीं है, वो क्या है ना कि मेरी साली ने मुझे दिया है गिफ्ट के रूप में। मुझे बहुत शर्म आ रही है। जाओ बच्चों, आए क्या कर रहे हो? ये मुझे दे दो, चेन दे दो। दोबारा इस तरफ तू आना भी मत। क्या यार, समझ कुछ गया? भी नहीं छोड़ोगे? दोबारा दिखना मत यहाँ पर, वरना तुझको भी काट दूंगा। नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा। लुंगी भी ले लो। अरे मैं जा रहा हूँ। अरे सुन तो, आज के जैसा मजा हमें कभी नहीं आया। ए, 250 हार रहा है। रुको, डालो इधर डालो। चलो भाई, मारो। जो है सब डाल दिया मैंने। कौन सी वाली? चलो भाई मारो। कौन सी वाली? अरे क्या किया, लाइन की गोटी को क्यों मारा? लाइन वाली को मैंने मारा, समझा? अरे चीटिंग मत कर, तेरी तो। अबे नाटक मत कर, एक्टिंग कर रहा है। तुझे पता है लाइन वाली गोटी को नहीं मारा जाता है? तूने लाइन वाली गोटी को मारा। चल जा, देख लूंगा मैं तुम्हें। ठीक नहीं होगा ये, बिल्कुल ठीक नहीं होगा। याद रखना, मैं मौत में एक एक को बताऊंगा। याद रखना, एक एक को बताऊंगा। नमस्ते सर। हाँ मणि, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। बहुत दिनों से दिखाई नहीं दे रहे थे, क्या बात है? ऐसे रो क्यों रहा है तू? हैं, ये लोग गोटी खेल रहे थे, वहाँ झगड़ा हुआ और इसका हाथ तोड़ खेल दिया। खेल में हाथ टूट गया तो यहाँ लेकर क्यों आए हो रामचंद्र? अरे इसे किसी डॉक्टर के पास लेकर जाओ। चलो चलो। किसने किया ऐसा इसके साथ? गाँव वाला ही है, राम कृष्णा का लड़का, शशि नाम है उसका। लल्ले? हाँ साहब। उस दिन वो कार्बन पेपर, एक पेन और रबर ये सब लेकर आया था, ये वही लड़का है क्या? हाँ साहब। आप केस फाइल करो सर, जितना भी खर्चा होगा सब मैं दूंगा। वैसे वो मेरे दूर का रिश्तेदार है, तू भी उसके बारे में बता दे। उसे थोड़े दिन के लिए अंदर डाल दो सर, मेरे बेटे का हाथ तोड़ दिया उसने, और जब पूछने गया तो मुझे उल्टा जवाब दे रहा था साहब। एफ आई आर लिखो ना सर। बच्चों के झगड़े में क्या एफ आई आर लिखना सर? टेबल पे रख दो। लल्ले साहब, FIR लिख लो। विनोद, हाँ साहब। उस लड़के को अरेस्ट करके ले आओ। जी साहब। क्या छोटे भाई, गोटी वाला खेल हमारे साथ खेलोगे? सुनो ना, खाना खाने के बाद हम सब मिलकर खेलते हैं वो खेल, देखते हैं कौन जीतता है। अगर तुम जीते तो पैसे मैं दूंगा, और अगर तुम हारे तो उधार रहेगा, तुम्हारे बाप से ले लेंगे। अरे क्या भाई, किसी से भी बात नहीं करता। हम लोग किसी का मर्डर करके अंदर नहीं गए, शराब बेचे। अगर तेरा बाप आया तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, हम लोग बाहर तो चले जाएंगे। बोलो, जरा मेरी बात सुनो। क्या हुआ? सुबह से कुछ खाया नहीं है मैंने। हाँ। बहुत भूख लग रही है, कुछ अजीब सा फील हो रहा है। हाँ? थोड़ा सा आप फुक मारिए ना। ओहो हो। सर ये हवा अच्छी नहीं लग रही है, है? आपकी सांसों से बहुत गंदी सी बदबू आ रही है। हाँ हा, सर। गंदी बदबू कैसे आई? मैंने तो सिर्फ बीड़ी पी है, और ये कह रहा है बीड़ी की बदबू गंदी होती है। फिर से फूंक मारिए। सर मुझे बेवकूफ मत बनाइए, चलिए जाइए यहाँ से। अभी देता हूँ, ये ले, तुझे यही चाहिए ना? अब ये तू ही पी, मुझे नहीं चाहिए। ये लो देना। हम्म,
बस बहुत हो गया, नहीं तो ये मर जाएगा। डॉक्टर को बुलाकर मरहम पट्टी करवा दो। स्वाति, ये शादी का मंडप है ना, ऊपर चढ़ गए तो उतर नहीं पाएंगे, एक ही फ्लोर में घूमते रहेंगे यहाँ वहाँ, बहुत कंफ्यूजन है उसमें। स्वाति, मैंने जो कहा था ये जगह वही है, वहां पे चलें क्या? तुम मुझे बचाओगे तो नहीं ना? क्या स्वाति, व्हाट्स हैपनिंग? तुम मुझे नहीं समझ पा रही हो क्या? क्या स्वाति? बस ऐसे ही रहो, ऐसे ही रहो, इस हालत में बहुत अच्छे लग रहे हो, नेट पे अच्छा दिखोगे। हे लड़की, इतनी जल्दबाजी क्या है, तू ऐसे ही सुंदर लग रही है, बाद में पहनना ना। ए, चल चेन खोल, गले का चेन निकालना, वो भी निकाल, काफी समझदार है तू। लॉज में जाता तो रेंट देना पड़ता, पुलिस की रेट भी पड़ सकती थी, इसीलिए 5 रुपए की टिकट में ही है। सर छोड़ दीजिए, सर प्लीज, सर आजा, आना, ए बुला रहा है, जाना, अबे घूम जा, पर्स है क्या, अबे रुकना, पैसे हैं, देखा कितने दिन से सेटिंग है तेरी इसे। अबे तेरी तो क्या बे, सिर्फ 10 रुपए रखा है। Hey, तूने जो गले में चेन पहनी हुई थी वो ओरिजिनल या डुप्लीकेट? सर ओरिजिनल है सर, सर सर, मेरे पास जो कुछ था वो सब मैंने आपको दे दिया, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है सर। देखा लड़की, जिसके भरोसे तू आई थी वो तुझे बीच में ही छोड़ के जा रहा है। अच्छी चल निकल बे। अरे सुनना, इस बार मैं ही फर्स्ट हूँ ना। हाँ भाई तू ही फर्स्ट है, मुझे जाने दो प्लीज, मुझे जाने दो। सुनना, अब आजा तू संभाल ले। ठीक है ठीक है, चल अब निकल, पुलिस के पास गई ना तो सब इसके अंदर है, याद रखना। अरे कुछ नहीं होगा रे भाई, निशानी के लिए। अरे यार मैं एक चीज भूल गया, थोड़ा रुको मैं आ रहा हूँ। स्वाति, एक्चुअली वो 4 लोग थे और मैं जा मर जा तू। क्यों मैं पिनम तम्बू गांव से आ रहा है? क्यों रे? मैं तुझे कोई कॉमेडियन लग रहा हूँ? हाँ? इन्हें एरिया सूट नहीं करेगा, उठा कर ले चलो, चले यहाँ से, उठ, ए, इसका हाथ खोल, सीधे तरीके से बता दे, वरना काट देंगे। अबे चुप रे, चुप, तेरी तो, अबे चुप, सीधे तरीके से नंबर बता दे। ठीक है लाइन पे वेट कर। ए क्या बोला वो, वापस गलत हो गया क्या? चल रुक, अरे पकड़ो इसे। अबे सांबा को पुलिस ने पकड़ लिया, चल निकल यहां से, चल निकल, फंसा दिया इसने। क्यों रे, पढ़ाई लिखाई छोड़कर तुम लोग ऐसी सुनसान जगह पर आते हो, शर्म नहीं आती है तुम्हें? बताओ यहाँ क्या करने आए थे, सच सच बताओ क्या कर रहे थे? सर हम वहाँ बस ऐसे घूमने के लिए गए थे सर। देखो ये सब कुछ नहीं चलेगा, जाओ अपने माँ बाप को लेकर आओ। सर सॉरी सर, सर प्लीज सर, ऐसा मत कीजिए सर, प्लीज सर हमें माफ कर दीजिए। एनीवे वो तुम्हारा कार्ड बार बार डाल रहा था, कई बार गलत पिन नंबर डाला, इसीलिए हम उन चोरों को पकड़ पाए। अब आगे से ऐसी गलती मत करना, चलो जाओ। ठीक है सर।
इसे मार बे। ए, एक बार तो मुझे मौका तो दे मारने का। मैं मार के दिखाता हूँ। मुझे मौका दे, मुझे मौका दे। पीछे वाली को। सर आप मुझे 16 रुपए देंगे और भाई आप मुझे 28 रुपए। मेरे बेटी के पैसे दे मुझे। उधारी लेता जा रहा है, पैसे देता नहीं है। अब मार के दिखा। चल मार। अब देखना मेरा निशाना। कौन है सर वो? कल इस आदमी की बहुत पिटाई हो रही थी, इसकी आवाजें मैंने भी सुनी। क्या मैटर है सर? अभी मुझे खेलने दे, तू देख। सर थोड़ा दूर हो जाओ, बैट लग जाएगा आपको। दूर हो जाओ। मुझे खेलने ही नहीं देता, इसके रहते मुझे चांस कभी नहीं मिलेगा। सर ये लीजिए, आप खेलिए। हाँ खेलिए। खुश रहो बेटा। अब मैं मारूंगा, ऐसा मारूंगा कि हर कोई देखेगा। अरे सर, सर नमस्ते। सर नमस्ते। सर क्यों रे? सर को देखा इसीलिए मुझे बैट दिया ना। हाँ भाई। तेरे को कीड़े पड़ेंगे। अभी तो ऐसा नहीं होगा, तो नंबर आपका लगने वाला है। मुझे फंसा दिया था, बच गया। शशि कुमार। सर भाई मैं अभी आता हूँ। हाँ आप जो सुबह पैसे हारे हैं ना, वो मुझे अभी तक मिले नहीं है, याद रखना, भूलना मत। अरे ऐसे चुपचाप क्यों खड़े हो, कुछ बोलो भी। ठीक है मुझे पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, चलता हूँ। ये बात नहीं है छोटे, तेरे साथ 2 दिनों तक जेल में हमारा वक्त बहुत अच्छी तरह कटा। भाई छोटी सी गलती करके आया हूँ, इसलिए जल्दी जा रहा हूँ। अगली बार बड़ा जुर्म करके आऊंगा तो यहाँ लंबा रहूंगा, ठीक है? अच्छा अब तो हंस दो। सर ये लीजिए उसकी फाइल। अब दोबारा जेल में मत आना, तेरे माता पिता जैसा कहें वैसा ही करना, ठीक है? अरे उस फिगर को भूल जा, इधर देख, तुझे ढूंढते हुए एक नई फिगर आ रही है। कौन कौन कौन? हे ये तो शशि वाली है। बोल प्रियंका। शशि से मिलना है। नहीं प्रियंका ऐसा नहीं हो सकता, मेरी लाइफ ही बदल गई है। तुम्हारे पापा जो कहते हैं वैसा ही करो तुम, उसी में सबकी भलाई है। पापा मुझे आइसक्रीम चाहिए। क्या बच्ची जैसी मचल रही है। मैं चलता हूँ। रुको, तुम्हें भूलकर मैं नहीं जी पाऊंगी। जाने दो मुझे।
ए, मुझे नहीं पीना यार। अरे पीनी नहीं थी तो मंगवाई क्यों? अब इसका क्या होगा यार? देख यार, उस दिन जब मैं जेल से बाहर आया ना तो पापा ने मेरा चेहरा भी नहीं देखा यार। उस दिन सच में मेरे अंदर बहुत गिल्टी फील हो रही थी यार। अब चाहता हूँ मैं कुछ ऐसा काम करूँ जिसे पापा मुझ पे गर्व महसूस करें। अब ये सब नहीं करना है। देखना यार, ऊपर वाले को भी तेरी बातें पसंद नहीं आ रही। इतने हजारों रुपए खर्च करके हमने गाने का प्रोग्राम रखा, तेरी वजह से हम वो प्रोग्राम भी नहीं देख पा रहे। कम से कम इसे पी लेगा तो हम लोगों का कुछ तो गम दूर होगा। लग ही नहीं रहा कि कोई त्योहार है। मेरी बात मान, पी ले यार। चल ठीक है, पीते हैं। लगता है यहाँ जमने वाला नहीं है। चलो गांव के अंदर चलते हैं, वहाँ अगर कुछ मिल जाता है तो अच्छा है। सारे ठपुरी लोग यहीं पड़े हुए हैं, चल हम लोग चलते हैं। सांबा के बारे में काउंसलर से मिलने गया था। हाँ। क्या बोला उसने? अरे वो अगले हफ्ते बुलाया है ना, अभी चल। ठीक है चल। ए, ये कहाँ चली गई रे? वो उस तरफ गई थी। क्या, वहाँ तूने उसे अकेले भेज दिया? मैं जाकर देख कर आती हूँ। भाई वो लड़की उसी रास्ते से आ रही है, देख लेना भाई। एक काम करते हैं, पहले पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेन करते हैं, फिर ढूंढेंगे। कल स्कूल के बच्चे आए थे, हो सकता है वो उनके साथ चली गई हो। hey, तूने अपनी बेटी को ऐसा पाला होगा? मेरी बेटी ऐसी नहीं है। हाँ बहुत अच्छे से लड़की को पाला है, सारे लड़के बोल रहे थे, बगल वाले गांव का लड़का के चक्कर रहते hey. लड़की के साथ। भाई भाई थोड़ा सब्र रखिए, अपने लड़कों से जाकर पूछते हैं, हो सकता है कोई रास्ता निकल जाए। उसके बाद क्या करना है वो हम लोग बैठ कर सोच लेंगे। ये मनहूस कहां से आ गया? लगता है ये लड़का मेरी जान लेकर छोड़ेगा। जब आ गया से ए जी। थू। ए सुन, जाके ईश्वरी से पूछ क्या हुआ। ऐसा लोग कह रहे हैं कि वो चेन्नई चली गई। कल तू गांव में नाच देखने के लिए आया था ना? हाँ। मेरी बहन कहाँ पर है? नहीं मुझे नहीं पता। रुक जा। कल से मेरी बहन गायब है, दिख नहीं रही है वो। क्या कहा, बहन नहीं दिख रही है? क्या बोल रहे हो? रुक मैं भी चलता हूँ तेरे साथ। जरूरत नहीं है, मैं देख लूंगा। सुन हाँ? तू शाम तक उसको फॉलो करना। ठीक है। अरे क्या बात है, आप लोग यहाँ क्यों आए थे? परसों गांव में होने वाले डांस में मेरी बेटी गायब हो गई, उसी सिलसिले में आया हूँ। आप जरा कंप्लेंट लिख लीजिए। परसों के दिन बगल के गांव में डांस का कार्यक्रम चल रहा था, वहाँ से एक लड़की गुम हुई थी। और आज आपके गांव में डांस का कार्यक्रम चल रहा था, वहाँ से आपकी लड़की गुम हो गई। ठीक है मैं देखता हूँ। अच्छी बात है। क्या हुआ बोल? उसने कुछ किया होगा ऐसा नहीं लगता है यार। मैं पुलिस स्टेशन में हूँ, डांस प्रोग्राम से एक लड़की गायब हो गई है, समझा? क्या डांस प्रोग्राम से? सारी लड़कियाँ डांस प्रोग्राम से गायब हो रही हैं, और अगला डांस प्रोग्राम बेंगरापुर गांव में है। इस गांव में सिर्फ आज ही डांस प्रोग्राम है, कल से नाटक शुरू हो जाएगा। भाइयों आपको बताना चाहता हूँ, कल रात को मालवापुर गांव में ऑर्केस्ट्रा होगा, आप सब लोग वहाँ जरूर आइए और गाने का मजा लीजिए। हम मालवापुर गांव जा रहे हैं, तुमको यहाँ पर किसी पे शक हो तो मुझे फोन करना। ठीक है चलो जा। ओ चैन चुराने वाले, नींद में सताने वाले, तू आजा मेरे पास, तुझे देखना चाहता हूँ मैं। अरे आजा आजा।
तुम्हें क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए? हम दोनों को क्या चाहिए? चला जा मेरे साथ, मैं तुझे जीवन की सर... अरे चोर चोर, मेरा गहना लेकर भाग गया। जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ बोल यार। मेले में दो लोग आए थे, हम लोगों ने उसका पीछा किया पर दोनों भाग निकले। क्या करते हो तुम लोग यार? ठीक है मैं वहां पे आता हूं। चलता हूं भाई। हाँ ठीक है, हाँ, फिर मिलते हैं। होय, हाँ? मेरे समझाने के बाद भी तेरा बेटा मेरे गांव में ऑर्केस्ट्रा देखने आया और मेरी बेटी को लेकर भाग गया। अगर एक घंटे के अंदर मेरी बेटी को लेकर नहीं आया तो फिर मैं क्या करूंगा देख लेना। क्या है ये सब? मेरी किस्मत। हेलो माँ। कहाँ है तू? प्रियंका के पिताजी यहाँ आकर चिल्ला रहे हैं। प्रियंका को तो भगा कर ले गया है क्या? माँ क्या कह रही हो तुम? मैंने कुछ नहीं किया है माँ। मैं यहाँ दो दिनों से यशोदा को ढूंढ रहा हूँ माँ। ये सब क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है बेटा। हे क्या हुआ यार? वो लोग प्रियंका को भी उठा के ले गए हैं। अगर मेरे हाथ लग जाए तो छोड़ूंगा नहीं उन्हें। ए आनंदपुर में एक बड़ा ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम होने वाला है, मुझे ऐसा लगता है वो लोग वहाँ जरूर आएंगे। हम लोग उन्हें वहीं पकड़ेंगे। वो जो राधा कृष्ण है ना, उसी का बेटा है वो। ऐसा क्या उसने? आप बिल्कुल फिक्र मत करो, 24 घंटे के अंदर आपकी बेटी आपके घर पे होगी। मैं बोल रहा हूँ आपसे। अरे ओ चम्मक चलो। बोल रे आशिक आवारा। आनंदपुर के मुखिया के घर में ढूस ढूस के खाना खाई ना? हाँ हाँ, तो फिर क्या करना है? अरे चुप रहेगी तो कैसे होगा? खाया है तो हजम करने के लिए डांस करना होगा ना। डांस ही करना है ना? हाँ। उसी के लिए तो हम यहाँ आए हैं। तो चल नाच और गाना शुरू करते हैं। भाई भाई यही है वो। यही है क्या तेरी तो? चल बिठा इसको पीछे।
नहीं, 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 नहीं। लगा फोन उसको, भुला ले, आकर बचाया हूँ तुझे। बोल। ये लोग मुझे उठा कर ले आए हैं। क्या क्या हुआ तुझे? मुझे रेल की पटरी से बांध रहे हैं। कहाँ है तू? हाँ, आर्या फाटक के पास, आर्या फाटक के पास। रुक, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। बचा ले मुझे, बचा ले। ये क्या हो गया? नहीं, ये क्या हो गया? मार डाला, तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। वो तेरी बहन थी क्या? किस गांव का रहने वाला है? अड़ंगुना। अड़ंगुना? तेरी बहन जिंदा है, मेरे पास है। हा? मैं लेकर चलता हूँ, मुझे छोड़ देना, मुझे मत मारना, मैं लेकर चलता हूँ उसके पास। चल चल चल, जल्दी चल, आ जाओ। तू यहाँ कैसे? मुझे ये पसंद था इसलिए मैं मेरी माँ से झूठ बोलकर इसके पीछे पीछे चली आई, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि ये सब दरिंदे लोग हैं। ये लोग सच में बहुत बुरे हैं, इन लोगों ने मेरे साथ बदतमीजी की। यशोदा कहाँ है? यशोदा, मेरे साथ तो कोई नहीं आया। नहीं, अंजना ने कहा था कि यशोदा तेरे पीछे पीछे ही गई थी। नहीं, मेरे पीछे कोई नहीं आया। हुँ?
नहीं, यशोदा की फ्रॉक को मैंने यहाँ देखा था। वो एक दिन उसने मुझसे चुपके से चुरा ली थी। हाँ, उस दिन मैं चल रही थी तब वहाँ घोड़े की मूर्ति के पीछे वो लड़का खड़ा था। ऐसा नहीं हो कि उसने ही कुछ किया। चलो, तुम लोग यहां से जाओ। बेटे को अच्छा मजा सिखाया। अच्छा है, ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। देखा तो हमेशा खेलता है ना। जो गांव वाले मुझसे डरते थे वो मेरा मजाक उड़ाने लगे। इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। जब से तूने मारा लोगों ने मेरी इज्जत करनी बंद कर दी। मैं कितना शान से जीता था,
एक छोटे लड़के से तूने मार खाई है, इतनी बेइज्जती। देख तू मेरे घर बिल्कुल मत आया कर। इसीलिए तेरी बहन को मैंने प्लान बना करके उठा लिया। वो लड़की मंदिर के पीछे वाले रास्ते से आ रही है। उस दिन तू रोड पे लफड़ा कर रहा था, इसलिए मैंने तुझे सबक सिखाया था। लेकिन मेरी बहन को तू क्यों उठा के लाया? तुझे तो मैं तुम्हारी बेटी मिल गई है। इन्हें संभाल कर ले जा। यस सर। चलो Thank you.
बेटा शशि आ